स्वागत है आप सबका मिस्टोगन गेमिंग में। और दोस्तों, हम शुरू करने जा रहे हैं नया वॉक थ्रू जिसका नाम है, चलो चलो ये इंट्रो खत्म हो तो मैं नाम बता दूं आपको। और चलिए शुरू करते हैं पोकेमॉन फायर ब्लैक वर्जन। ये इटालियन गेम है तो ये सीधा हम स्किप करेंगे, वैसे भी हमको कोई कुछ समझ में नहीं आना, कुछ भी नहीं, ये भी स्किप कर देते हैं, कुछ समझ में नहीं आने वाला हमको, पर खेलेंगे। ये थोड़ा टफ होगा और गेम से, क्योंकि गेम भी बहुत टफ है। मिस्टो फोर्स, वाओ हमारा ड्रेस ब्लैक है, मुझे ब्लैक ड्रेस बहुत पसंद है। डन, कंटिन्यू करते हैं। या इसका नया कुछ नया नाम रखते हैं इस बार, चलो रखते हैं काय, काय कूल नाम है एकदम, राइवल के लिए बहुत बढ़िया है। मिस्टो नहीं, ये तो कुछ फायदा नहीं है, कोई डायलॉग बोल के फायदा नहीं है हमें, सिर्फ चलो प्रथा पूरी करते हैं। पोशन निकाल लिया हमने और ये, चलिए कुछ समझ में नहीं आएगा फिर भी बात कर लेते हैं। ओ ये टेक्स स्पीड स्लो है लगता है, लगता है तीन कर दी मैंने, दो थी और ओरिजिनल गेम जैसा नहीं है लगता है, मतलब वैसा अभी तो लग रहा है। ये भाई वेट करो, तुमको भी तुम्हारा पोकेमॉन मिलेगा, पेशेंस का है। ओ वाओ पेगोन, उसमें तो लिखा बेगोन, पेगोन की स्पेलिंग तो नहीं आती, चलो इनको नाम देते हैं। इस बार हम देंगे निकनेम्स, इसको मैं दूंगा ट्रैको, क्योंकि ड्रैगन टाइप है और इजी भी है, क्योंकि मुझे स्पेलिंग तो नहीं आने वाली हर पोकेमॉन की, ये मुझे गारंटी है। ड्रैको क्योंकि याद नहीं, ओ इसने लगता है लार्विटर लिया, कूल। ओ नहीं ट्रैपिंच, तो दोनों के स्टार्टर्स भी अलग है। ओ ये बहुत बढ़िया है। तो बेसिकली दोस्तों, इस गेम की स्टोरी कुछ ऐसी है कि कैंटो रीजन ही है, पर ये टीम रॉकेट ने इस पर पूरा कब्जा कर लिया है। तो अब टीम रॉकेट कैंटो रीजन पे राज करती है। ये तो नहीं देने वाले, फिर भी बात कर लेते हैं। तो मुझे लगा टाउन मैप देगी, क्या ही कहने, शायद पैकेज डिलीवर करने के बाद दे दे, हाँ उसी के बाद मिल जाएगा। थैंक यू फॉर हीलिंग, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं, पहले बात कर लेते हैं सबसे, क्या ही पता कोई कुछ दे दे, काम में आ जाए आगे जाके। देखा रूट वन भी अलग है, तो ये सब कुछ अलग होगा दोस्तों लैंग्वेज के साथ, और अटैक भी दोस्तों अलग है। पिछले बार जो मैंने बोलते बोलते दो अटैक यूज़ किए थे, सेकंड वाला बाइट था, पर ये मुझे पता नहीं चलेगा, हमें पता लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो हमें पता नहीं चलेगा कि अटैक कौन सा, क्योंकि अटैक के नाम भी में ये कुछ बोल रहा है। लगता है हमें पोकेडेक्स मिल गया, और क्या मिला, ओ रनिंग शूज मिल गया हमें, चलो अच्छा है। ओ ये देखो पूरी टीम रॉकेट है, पूरे यहाँ पर टीम रॉकेट है। ओ अरे ये क्या डायरेक्ट चैलेंज,
एक्सेंस लेवल 10। ये तो हमें आगे नहीं डालने देगी ऐसे तो। देखते हैं पहले सिटी एक्सप्लोर कर लेंगे। वैसे पोशन है हमारे पास, बस अटैक मिस नहीं होना चाहिए ट्रैकों का। नहीं होगा, कुछ फ़ायदा नहीं है। पोशन यूज़ करेंगे हमारी एनर्जी जाती जाएगी, क्योंकि लेवल डिफरेंस बहुत है। ये गेम टफ है मतलब दोस्तों, हमें पहले से ही लेवल अप करके रखने होंगे, पोकेमॉन ट्रेन करने होंगे। वैसे तो अभी तो मेरे पास पोकेबॉल भी नहीं है और एक ही पोकेमॉन है ये, और वो भी फेंट हो गया। और 40, ओ नो, सिटी पे हील नहीं किया था मैंने, ये गलती कर दी मैंने, गलती कर दी। या प्लीज़ सॉरी, माफ़ कर दो मुझे, जाने दो। जाने दो जाने दो बेटे। ओ यार कुछ आना, इसने 5 लेवल का है ये भी। वहाँ तो नहीं जाने वाले, पहले पोकेमोन सेंटर जाके हील करते, सबसे बात करते, देखते क्या होता है। कोई कुछ दे तो नहीं रहा, कोई बताएगा तो पता नहीं चलने वाला हमको, क्योंकि अटैक भी अलग लैंग्वेज में है, तो ये हमारे लिए थोड़ी प्रॉब्लमेटिक है। ये तो बैटल नहीं कर रहा, कुछ बोल रहा है, जियो वानी भी होनी छोड़ो। पार्सल तो नहीं है इसके पास, ये तो नहीं देने वाला पार्सल के लिए। और पोकेडेक्स मिल गया है तो पीछे जाने का मतलब नहीं है। पोशन है हमारे पास। ओ यार पीछे जाकर एक बार टाउन मैप लेके क्या ही करेंगे। वैसे हमें पता ही है, मैं बता दूंगा आपको, देखते हैं। टाउन मैप तो सेम ही होगा, यस सेम ही है, तो मैप की ज़रूरत नहीं है। मैप तो मैं बाद में भी ले लूँगा, और अगर रनिंग शूज मिलने के बाद हमको मैप मिलता होगा, वो नहीं, ये तो चैलेंज कर रही है, तो मैं आपको बता दूंगा। तो क्या करें, पहले तो मैं लेवल अप कर लेता हूँ हमारा पोकेमॉन दोस्तों, क्योंकि पोकी बॉल्स भी नहीं है, नए पोकेमॉन नहीं पकड़ सकते हम। चलो पहले लेवल अप किया जाए दोस्तों थोड़ा। तो एक पोकेबॉल भी मैं खरीद लूँगा और देखता हूँ कोई अच्छा पोकेबॉल पोकेमॉन आया तो उसे पकड़ भी लूँगा। तो मैंने मेगाउन को लेवल अप तो कर लिया है, वो लेवल 11 पे है। और यहाँ पर मैंने एक केव में जब मैं ट्रेनिंग करने गया, जो केव का नाम तो नहीं पता, पर मुझे चैलेंज किया गया पोकेमॉन ट्रेनर सिल्वर। अरे यार कंफ्यूज हो गया, सुपर इफेक्टिव, प्लीज अटैक यूज करो। वो बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो मैं इससे भी हार गया दोस्तों, ऑफ कोर्स हारने तो वाला ही था मैं। अरे यार इसने खुद को डैमेज कर लिया, इसका मुझे सेकंड पोकेमोन देखने का तो चांस नहीं मिला। मोशन यूज करते हैं, सीधी से बात है, हमें जीतना है भाई। और ये देखो यहाँ पर कोई पोकेमोन है, चलो देखते हैं। ओ लेवल 10, देखते पकड़ते हैं। अगर पकड़ा गया तो 10 पोकेबॉल्स तो ले लिए थे मैंने, पकड़ा गया। यहाँ पर हमें केव में पोकेमोन मिल गया, अच्छा हुआ मेरे पोकेमोन। ठीक है अभी हमारे पास 2 पोकेमोन है, जो एक है लेवल 11 पे, दूसरा है 12 पे। चलो बैटल करते हैं अभी इसको, सॉरी वो थोड़ा एल पे चला जाता है हाथ।
रेन कंटिन्यूज टू फॉल, फ्लेम इज, ये जरूर एम्बर होगा। इतना डैमेज नहीं दे रहा है, वाह फ्लिंच हो गया, बहुत बढ़िया। टाटा बाय बाय। अच्छा एक्सपी शेयर की सिस्टम नहीं हो, 320 आगे जाने दे रही है। थैंक यू मोहतरमा, आपने हमें छोड़ दिया, हील कर लेते हैं पहले। चलो इस बार फाइटिंग टाइप के लिए इसको ऐड करते हैं टीम में दोस्तों, इतना मुश्किल से पकड़ ही लिया है तो। लेवल 10 पे भी है वो, इसका मुझे एवोल्यूशन नहीं पता सिर्फ, क्योंकि पता नहीं, ऐसा नहीं है याद नहीं है, बस आप ऐसा समझ सकते हो, यहाँ पर आ सकते हैं। एंटी पैरालाइज हो गए, हिडोरन पीजी सैलेमेंस हो जाएगा ड्रैगन फ्लाइंग, तो हमें फ्लाइंग टाइप की तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इलेक्ट्रो मैंने ट्रिक, हाँ अच्छा अच्छा पोकेमोन तो है इस रूप पे। ओके स्पिनर है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे कौन से पोकेमोन आएंगे हमें। टाइम कितना हुआ है, ठीक है बात कर लेते हैं सबसे। विरिडियन, विरिडियन फॉरेस्ट, फॉरेस्टेड जेड, ये तो मैं नहीं पढ़ने वाला, फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। इससे अच्छा है पढ़ो ही मत भाई, गलत पढ़ने से अच्छा है पढ़ो ही मत। पिकाचू, कैटरपी, पोकेबॉल, ट्रिको, क्या किया जाए, छोड़ दिया जाए या पकड़ लिया जाए, पकड़ लिया जाए। इतनी जल्दी हार तो नहीं बनेगा, रेंज है वो दूसरा अटैक। ओह वाओ अच्छा, मैं 10 पोकेबॉल ले लिए थे। यस एको पोकेबॉल, एक पोकेबॉल अपना, सैलेमेंस को पकड़ लिया हमने, ट्रिको दोनों के पास अटैक क्या गया होता हमें। ये तो हमें अटैक, अटैक के हमें नाम से नहीं, हमें पावर से पता लगाना पड़ेगा कि अटैक काम का है कि नहीं, और एक्यूरेसी से। इस नाम से तो हमें घंटा कुछ समझ में नहीं आना, तो हर अटैक हमें देखना पड़ेगा ध्यान से कि एक्यूरेसी क्या है, पावर क्या है। ऐसे ही हम किसी भी अटैक को क्या कहते हैं, बिना देखे छोड़ नहीं सकते, मतलब फॉरगेट नहीं कर सकते। यो यो यो, यहाँ पर ही हमने 3 पोकेमोन पकड़ लिए, काफी बढ़िया था ये। ओके पोकेबॉल है, एंटीडोट, तो भाई इंग्लिश है कुछ ना कुछ तो इंग्लिश है, ये अच्छी बात है। इस बार हम इसमें इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमोन भी पकड़ेंगे, क्योंकि दो पिछले दो सीरीज में मैंने इलेक्ट्रिक टाइप यूज ही नहीं किया है। ओ गया नहीं, इम्प्रेसिव, अरे इतना डैमेज भी दे रहा है, अरे बस कितना, मुझे लगा आज जाने देता है कि नहीं।
अरे यार पॉइजन नहीं होना चाहिए। हो गया पॉइजन हो गया। हमारे पास कुछ है क्या एंटीडोट? तो वो पैरालाइजिंग होगा, एक पोशन है यूज कर लो भाई, तो फिर से पीछे नहीं जाना जाता। ओके, नीचे जाने के लिए भी जगह है, लेवल 8, फिर से नहीं जाएगा। ठीक है, स्पीड कम होगी इससे हमारी, उससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता हमें। ओ नॉट बैड, रियली नॉट बैड। स्मोक ना यूज करे तो अच्छा है, बस ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एसिड, आशा करता हूँ ये लास्ट ट्रेनर होगा। कुछ तो ड्रैगन टाइप मूव सीखा है पहले, इससे मैं आपको बता सकता हूँ। अरे ये का हुई ट्रेनर, फिर से एक। चलो एक इसमें चला गया। जिम लीडर कितने लेवल का यूज करेगा? साइकिक? ओ कंफ्यूजन होगा, साइकिक तो नहीं हो सकता। ये गया इसलिए वी आर लकी, नहीं तो ये भी तकलीफ देता हमें। ओ 11 लेवल, कतई खतरनाक, कतई जहर, मतलब कुछ नहीं इधर नहीं उधर नहीं, डायरेक्ट लेवल 11। चलो ये तो एक्सप्लोर हो गया ठीक से। ओके, इससे हम बच तो नहीं पाएंगे मुझे नहीं लगता, बैटल करना ही पड़ेगा। ओ अच्छा है कि वो साइथर लेवल 13। लेवल अप करना पड़ेगा लगता है। किसी में कुछ तो काम का है, अटैक 60 है, याद नहीं आ रहा, पर काम का है। ड्रैगन टाइप है, ये भी ड्रैगन टाइप है, ड्रैगन ब्रेथ। सिर्फ पैरालाइज हो जाइए तो चला गया ड्रैगन ब्रेथ। ओह मैन, दिस गेम इज श्योर टफ, टफ मतलब टफ कतई। अगर मैंने लेवल अप नहीं किए होते और पोकेमोन पकड़े नहीं होते तो मैं कभी नहीं आ पाता यहाँ। वैसे जरूरत नहीं पड़ी पर ठीक है, आप भी पकड़ लो। ओ टीम रॉकेट, पूरी तरह टीम रॉकेट है, हर जगह टीम रॉकेट भरी पड़ी है। ये जिम होगा। तो दोस्तों आज के पार्ट के लिए बस इतना ही, हम यही रुक जाते हैं। अगले पार्ट में हम सिटी एक्सप्लोर करेंगे और जिम चैलेंज करेंगे। उससे पहले मैं अपने पोकेमोन लेवल अप जरूर कर लूंगा, क्योंकि अगर ट्रेनर ही इतने टफ है तो जिम लीडर भी जरूर टफ ही होगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो पे लाइक करना, कमेंट करके मुझे बताना कि आपको ये कैसा लगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में।